दोस्तों, आज वेब सीरीज का बुखार हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को वो एक्टर्स लीड कर रहे हैं जिन्हें बॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया, या यूं कहें कि जिन्हें कभी फिल्मी पर्दे पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 एक्टर्स की जिनकी जिंदगी ओटीटी ने रातों रात बदली। तो चलिए, देर किस बात की, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग सफर। फैक्टिफाइड। Factified. Facts on your face. Number 1, जयदीप अहलावत। सस्रेगल। एक्टर जयदीप अहलावत को देखते ही वेब सीरीज पाताल लोक अपने आप ही याद आ जाती है। पाताल लोक में अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर जयदीप अहलावत रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस सीरीज के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड भी मिला था। पर पाताल लोक से पहले भी जयदीप अहलावत का फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा करियर रहा है। उन्होंने अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, और इसके बाद आक्रोश, गैंग्स ऑफ वासेपुर और विश्वरूपम जैसी कई हिट फिल्मों में भी काम किया, जिनमें उनके काम को सराहा भी गया। पर वो सुपरस्टार वाला टैग होता है ना, वो अभी मिलना बाकी था। जयदीप के पास एक्टिंग स्किल्स तो थी, पर शायद प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को वो हीरो फेस नहीं लगते थे, इसलिए दमदार एक्टिंग होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी फिल्म में लीड या फिर कोई बड़ा रोल प्ले करने का मौका नहीं मिला। पर जब ओटीटी पर उन्हें ये मौका मिला तो इन्होंने पहली सीरीज में ऐसा धमाका कर दिया कि अब लोग इन्हें इनके रियल नाम से कम हाथी राम चौधरी के किरदार से ज्यादा जानते हैं। नंबर 2, दिव्यांदु शर्मा। ये है मिर्जापुर के मुन्ना भैया। क्या नाम है हमारा? माने एक्टर दिव्यांदु शर्मा। अगर आप वेब सीरीज के शौकीन हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में दिव्यांदु शर्मा शामिल ना हो। साल 2007 में फिल्म आजा नचले से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर दिव्यांदु शर्मा ने कामयाबी का स्वाद चखने से पहले घाट घाट का पानी पिया है। ब्रांड मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड की दर्जनों फिल्मों में काम किया, प्यार का पंचनामा और दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में तो लीड रोल भी प्ले किया। कुछ फिल्में पर्दे पर चली भी, पर किसी भी फिल्म में वो बात नहीं थी कि दिव्यांदु की छाप ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छोड़ दे। फिर साल 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर। सीरीज का भी ट्रेलर ही रिलीज हुआ था और मुन्ना भैया का नाम सबकी जुबां पर रट गया। और जब सीरीज रिलीज हुई तो दिव्यांदु शर्मा रातों रात साइड एक्टर की लिस्ट से सीधा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। नंबर 3, अमित साध। अब बात ओटीटी सुपरस्टार्स की कर रहे हैं तो अमित साध की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार इनका करियर भी वेब सीरीज ने ही चमकाया है। पर कभी नेपोटिज्म के चलते तो कभी बॉलीवुड में कनेक्शन ना होने के चलते अमित साध को वो रोल नहीं मिले जो वो डिजर्व करते थे। पर जब ओटीटी के दरवाजे खुले तो अमित साध की किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल गए। साल 2018 में आई वेब सीरीज ब्रेथ ने आर माधवन और अमित साध दोनों के करियर को बूस्ट कर दिया। इस सीरीज में अमित ने चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल प्ले किया था। सीरीज में अमित के करेक्टर को इतना प्यार मिला कि अमित को एक के बाद एक वेब सीरीज के ऑफर्स आने लगे। नंबर 4, राधिका आप्टे। राधिका आप्टे उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने एक्टिंग से बॉलीवुड के फेयर एंड ब्यूटीफुल हीरोइंस के स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। कोई कहता था कि वो फिल्म के लिए बहुत पतली हैं, किसी को उनका स्क्रीन टोन ठीक नहीं लगता। राधिका ने साल 2005 में फिल्म लाइफ हो तो ऐसी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। राधिका ने हिंदी, बंगाली और साउथ सिनेमा में दर्जनों फिल्में की, फिर कई आर्ट फिल्मों में बहुत अच्छा काम भी किया, पर पहचान नहीं मिली। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन में राधिका ने लीड रोल तो प्ले किया था, पर इस फिल्म में भी उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था। पर जब नेटफ्लिक्स ने इंडिया में एंट्री की तो राधिका आप्टे की किस्मत ही बदल गई। सीक्रेट गेम्स, लस्ट स्टोरीज और गोल जैसी सीरीज के लिए राधिका ने तो ये बता दिया कि टैलेंट हो तो आप हर रंग में खूबसूरत लग सकते हैं। और अब तो आलम ये हो चुका है कि लोग नेटफ्लिक्स इंडिया का मतलब ही राधिका आप्टे समझते हैं। नंबर 5, पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर वाले कालीन भैया माने एक्टर पंकज त्रिपाठी के करियर की गाड़ी को चलाने में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मेजर रोल प्ले किया है। अब वैसे तो एक्टर पंकज त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने 2004 में फिल्म रन से अपना करियर शुरू किया था। पर मिर्जापुर के आने से पहले क्या आपको पता था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई नायाब हीरा भी है जो सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर आग लगा देता है। वेब सीरीज मिर्जापुर के आने से पहले पंकज त्रिपाठी के पास मुंबई में अपना घर तक नहीं था, पर इस सीरीज के हिट होने के बाद उनके पास फिल्मों और वेब सीरीज की लाइन लग गई, और अब कालीन भैया के पास मुंबई में अपना घर भी है और अपनी गाड़ी भी। नंबर 6, प्रतीक गांधी। वेब सीरीज 1992 स्कैम 2020 में लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई और रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता पर बनी इस सीरीज को IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली, और वजह थी कमाल की स्क्रीन राइटिंग और हर्षद मेहता का करेक्टर प्ले करने वाले प्रतीक गांधी।
प्रतीक गांधी ने इस रोल को इस तरह प्ले किया कि लोग उन्हें रियल में हर्षद मेहता समझने लगे। स्कैम 1992 से पहले प्रतीक गांधी की पहचान सिर्फ गुजराती फिल्मों में थी, पर इस सीरीज में प्रतीक की एक्टिंग ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया, बोले तो रातों रात सुपरस्टार। नंबर 7, रसिका दुग्गल। वेब सीरीज मिर्जापुर में जितना जलवा कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू पंडित का था, उतना ही जलवा रसिका दुग्गल का भी था। वैसे तो रसिका दुग्गल को भी इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसमें उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कई बार अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता, पर मिर्जापुर से पहले रसिका दुग्गल को कोई इतना बड़ा किरदार नहीं मिला कि लोगों के दिलो दिमाग पर उनका किरदार छा जाए। पर मिर्जापुर में रसिका दुग्गल के बोल्ड कैरेक्टर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ साइड कैरेक्टर्स करने के लिए नहीं बनी है। नंबर 8, के मेनन। अगर आप सिनेमा को समझते हैं और अच्छी एक्टिंग को देखना पसंद करते हैं, तो आपने के मेनन के काम को फिल्मों में नोटिस तो जरूर किया होगा। के मेनन की एक्टिंग पर कमेंट करते हुए फेमस जर्नलिस्ट 79 ने द हिंदू में लिखा था कि अगर कोई एक्टर देखने लायक है तो वो है के मेनन। 25 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्में की और 7 से ज्यादा टीवी शोज किए हैं, और फिल्मों में उनके किरदार शायद आपको याद भी होंगे। पर आपने भी नोटिस किया होगा कि इन फिल्मों में उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिला, और जिन फिल्मों में उन्होंने लीड रोल प्ले किया वो कभी ऑडियंस तक पहुंची ही नहीं। के मेनन के पास टैलेंट तो था, पर प्रोड्यूसर्स को उनमें हीरो वाली अप्रोच नजर नहीं आती थी, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड के ग्लैमरस कैरेक्टर्स में वो फिट नहीं बैठते थे। पर जब आज के मेनन 55 साल के हो चुके हैं, जब शायद बहुत से एक्टर्स या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या फिर पिता का छोटा मोटा रोल निभाने लगते हैं, उस उम्र में के मेनन ने वेब सीरीज स्पेशल ऑप से धमाकेदार कमबैक किया, और एक ही सीरीज ने उन्हें वो स्टारडम दे दिया जिसका इंतजार वो पिछले 25 साल से कर रहे थे। एक एक्शन ड्रामा सीरीज होने के बावजूद ऑडियंस की पूरी लाइमलाइट के मेनन ले गए, और हमें उम्मीद है कि उनका करियर आगे भी चमकने वाला है। नंबर 9, जितेंद्र कुमार। एक्टर को अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने के लिए बस प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और फिर वो चाहे थिएटर हो या फिल्म हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब एक्टर जितेंद्र कुमार को ही देख लीजिए, बॉलीवुड फिल्मों के टॉल डार्क हैंडसम के स्टीरियोटाइप को तोड़कर ओटीटी लवर्स के फेवरेट एक्टर बनने वाले जितेंद्र कुमार ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। जितेंद्र कुमार उन एक्टर्स में से एक है जिनकी वजह से लोगों ने वेब सीरीज देखना असल में शुरू किया था। TVF की वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया के रोल से जितेंद्र ने अपना OTT सफर शुरू किया था, और अब आलम ये हो चुका है कि सिर्फ जितेंद्र के नाम से ही वेब सीरीज चल जाती है। नंबर 10, अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी, इन्हें भी ऑडियंस रियल नाम से कम हथौड़ा त्यागी के नाम से ज्यादा जानती है। पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी का रोल प्ले करके फेमस हुए अभिषेक बैनर्जी भी पिछले एक दशक से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने फिल्मों में कई छोटे मोटे रोल्स किए, पर फिल्मों में उनका स्क्रीन टाइम इतना कम था कि ऑडियंस की नजरें कभी उन पर गई ही नहीं। पर जब OTT पर एंट्री की तो पहली वेब सीरीज मिर्जापुर से उन्हें रिकॉग्निशन मिल गया। कंपाउंडर के रोल में ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद किया, पर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट पाताल लोक, जिसमें प्ले किए गए हथौड़ा त्यागी के करेक्टर को अब पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों देखा ना, अगर मेहनत, हुनर और पैशन मिल जाए तो कामयाबी कभी भी और किसी भी उम्र में मिल सकती है, बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास रखने की। उम्मीद है इन एक्टर्स की सक्सेस स्टोरी आपको भी इंस्पायर किया होगा। वीडियो इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।